पंचायत सचिव भर्ती परिणाम निकला पर नहीं बनी मेरिट अभ्यर्थियों का बढ़ा इंतजार। पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के 239 पदों की भर्ती प्रक्रिया रुक गई है, इससे हजारों युवा परेशान है। 22 अक्टूबर 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने भर्ती परीक्षा करवाई। 5 अप्रैल 2022 को भर्ती का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। इसके बाद भर्ती आगे नहीं बढ़ रही है। भर्ती की मेरिट HPU बनाएगा या पंचायती राज विभाग, यही तय नहीं हो पाया है। मंडी के लड़बड़ोल में PNB की ATM तोड़कर चोरी का प्रयास, CCTV पर कर दी स्प्रे। जिला मंडी के लड़बड़ोल क्षेत्र में चोरों व शरारती तत्वों के हौसले बुलंद है। ताजा घटनाक्रम में पंजाब नेशनल बैंक लड़बड़ोल की ATM में अज्ञात तत्वों ने सेंध लगा दी। चोरों ने ATM को तोड़ दिया लेकिन कैश बॉक्स तक नहीं पहुंच पाए। शहर के अलावा अब चोरों ने कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की घटनाओं का अंजाम देना शुरू कर दिया है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हरोली में घर से स्कूल पढ़ने गई नाबालिग लड़की लापता, पिता थाने पहुंचा। पुलिस थाना के तहत पड़ते एक गांव के नाबालिग को कोई व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं ले गया। नाबालिग के स्वजन ने टाहलीवाल पुलिस चौकी में शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि DSP अनिल पटियाल ने की है। उन्होंने कहा कि संतोषगढ़ में संभावित जगह की CCTV फुटेज की गहनता से जांच की जाएगी। व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके नाबालिग बेटी समीप के एक नगर में पढ़ने के लिए जाती है। सोमवार को बेटी घर से पढ़ने के लिए गई लेकिन उस केंद्र में नहीं पहुंची। इसके बाद बेटी के सहेलियों से भी पता किया लेकिन उन्होंने भी किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि स्वजन ने रिश्तेदारों के समेत अन्य जगह पर तलाश किया लेकिन उसका पता नहीं चला। बाद में लड़की के पिता ने टाहलीवाल पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस चौकी टाहलीवाल की टीम ने मामला दर्ज करके लड़की की तलाश शुरू कर दी है। टांडा अस्पताल में व्यक्ति ने कर दी पत्नी और ससुर की पिटाई, तमाशा देखते रहे सुरक्षा कर्मी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर दिन कोई न कोई नई घटना होती रहती है। अस्पताल में उपचाराधीन पत्नी को पति ने पीट दिया। जब यह घटनाक्रम चल रहा था तो सुरक्षा कर्मी भी तमाशा देखते रह गए। विवाद बढ़ने पर महिला के माता पिता ने विरोध जताया तो दावाद ने उन्हें भी नहीं बख्शा। महिला के सास ससुर भी उसके माता पिता से उलझ गए और विवाद बढ़ गया। हालांकि जैसे तैसे मामला पुलिस तक पहुंचा और वार्ड में पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची।